हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग जो है हमारी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक वीविंग मशीन बना रहे हैं, एक सीड वीविंग मशीन। देख सकते हैं आप, सीड वीविंग मशीन जो है हमारी, ये तो रेडी है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसके जो पार्ट्स हैं हमने वो किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, वो हम लोग जो है हर वीडियो में एक एक पार्ट देखते हैं। अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहली वीडियो में हमने यहाँ पे ग्रिप देखी थी, एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा था इसका जो हैंडल है, थर्ड पार्ट में हमने देखा था इसका जो बॉक्स, एंड फोर्थ पार्ट में हमने इसका जो ये वीविंग व्हील है ये देखा था, फिफ्थ पार्ट में हमने देखा था इसका जो आगे का व्हील है फ्रंट वाला, और उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमने यहाँ पे देखी थी ये मोटर, एंड सेवन्थ पार्ट में हमने देखा था ये स्प्रॉकेट। अब आज है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में आज हम लोग देखेंगे इसके बैक के ये जो हमारे टायर लगाए हैं हमने, ये छोटे छोटे टायर्स हमने जो है यहाँ पे किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। तो अब इन पार्ट को हम लोग यहाँ पे एक बार डिज़ाइन करने के लिए पहले एक बार इसको ओपन कर लेते हैं देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग ओपन करने के लिए इधर जाएंगे ओपन पार्ट में और इसे ओपन कर देंगे, तो हमें क्या है यहाँ पे क्लियर विजन होगा, दिखेगा कि ये पार्ट कैसे हमने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पार्ट हमारा ओपन कर लिया है। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग एक बार अच्छे से घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे शेप आया है इसका, किस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है उसके लिए यहाँ पे देखेंगे। कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेप्स के अंदर हमने इस टायर को रेडी किया है। तो अब ये 12 स्टेप्स क्या हैं, ज़रा एक बार इनको पीछे जाके देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टेप में हमने सिंपली एक बॉस एक्सट्रूड किया है। यहाँ पे क्या किया है हमने, एक स्केच बनाया है। देखिए इस टाइप का कुछ स्केच बना दिया हमने, सबसे पहले एक 20 का सर्कल, फिर एक 30 का सर्कल, फिर उसके बाद एक 120 का सर्कल, फिर 130 का, और उसके बाद लास्ट में 200 का एक सर्कल। ठीक है, इतने हमने सर्कल बना दिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमने एक एक करके सबको एक्सट्रूड करना है। सबसे पहले सबसे आउटर वाला जो सर्कल है उसे हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं। ये जो हमारा जो आउटर वाला सर्कल है, ये देखिए दोनों साइड यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सट्रूड है। अब कैसे हम लोग कितना एक्सट्रूड किया है हमने, उसके लिए हम लोग फीचर्स में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 60 mm हमने एक्सट्रूड किया है, मतलब 30 इस साइड और 30 उस साइड, मिड प्लेन से किया है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फिलेट का यूज़ किया, जिससे कि ये जो टायर की शेप है वो राउंड हो गई, मतलब ऐसा राउंड शेप आ गया इसमें और अच्छा टायर वाला लुक आ गया। ठीक है, अब वो राउंड हम लोग कितना भी दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से फिलेट दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो है फिलेट दिया है 30x15 का, यानी कि मैंने एक एसिमेट्रिक फिलेट यूज़ किया है, जिसका मैंने यहाँ पे रेशियो रखा है 30x15 का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक्सट्रूड किया है अंदर की साइड इसकी रिम बनाने के लिए। यहाँ पे हमने स्केच जो बनाया था वही स्केच का यूज़ किया है, ये जो सबसे पहले हमने बनाया था। इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये हमारा रिम का एरिया है, इसे अब इस बार हमने एक्सट्रूड किया है। कितना एक्सट्रूड किया है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे। अब यहाँ हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे हमने 30 का एक्सट्रूड किया है, यानी कि 15 इस साइड और 15 उस साइड, मिड प्लेन से हमने किया है, और कुछ इस टाइप का आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे फिलेट का यूज़ किया है। फिलेट का यूज़ करते ही क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप का कर्व आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड किए हैं दो। पहला बॉस एक्सट्रूड जो है वो अंदर का रिम का है, ये वाला पोर्शन, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिया है वो है ये अंदर का जो बेयरिंग सेक्शन है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमने जो स्केच बनाया था उस स्केच को ही हमने एक्सट्रूड किया है।
कितना कितना एक्सट्रूड किया है वो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा ये पहले वाला है इसको हमने यहाँ पे 10 mm एक्सट्रूड किया है, यानी कि 5 इस साइड और 5 उस साइड, ठीक है। और जो सबसे सेंटर वाला है, यानी कि ये जो सबसे छोटा वाला है, इसको हमने एक्सट्रूड किया है 25 mm हमने एक्सट्रूड किया है, आप देख सकते हैं दोनों साइड मिड प्लेन से, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कुछ आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक्सट्रूड कट का यूज़ किया है। एक्सट्रूड कट का यूज़ करके हमने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड कट करके हमने कुछ इस टाइप की यहाँ पे शेप ले आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न का हमने यूज़ किया है। सर्कुलर पैटर्न हमने कहाँ किया है, इस साइड देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ये कट बनाया था सर्कुलर पैटर्न, इसको हमने किया है, जिसकी मदद से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का शेप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मिरर किया है। मिरर करने के बाद कुछ इस टाइप की शेप आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट के हमारे दो फिलेट्स हैं, हमने वो फिलेट अप्लाई किए हैं। फिलेट अप्लाई करने से क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में फिलेट आ गई है, जिससे कि एक अच्छी लुक इसको मिल गई है और ये एक बढ़िया टायर वाला लुक आ गया है। इसके बाद हमने ये जो ये टायर का ये ऊपर आपको दिख रहा है शेप, ये हमने ग्रिप इसकी ऊपर एक अपीयरेंस अप्लाई किया है। ये अपीयरेंस हमने कैसे अप्लाई किया है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और फिर जब ये हमने रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद हमने इसको असेंबल किया है। हम लोग जो है असेंबली की वीडियो एकदम एंड में रखने वाले हैं, जब सारे पार्ट हमारे डिज़ाइन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद एट दी एंड हम लोग यहाँ पे इसको असेंबल करेंगे। और असेंबल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है ये टायर बढ़िया तरीके से रेडी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है एंड होता है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।